गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 द क्यूरियस बेबी एलिफेंट का एक पैराग्राफ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? देयर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट्स नोज वॉज नो बिगर देन अ बुट। ठीक है, बोल रहा है कि एक ऐसा भी टाइम था जब एलिफेंट का जो नोज होता था, ठीक है, वो क्या होता था, बूट से ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, मतलब लंबा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बूट जितना होता था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर कुड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, बोल रहा है वे लोग क्या कर सकते थे, उसको मूव कर सकते थे साइड, एक साइड से दूसरे साइड। ठीक है, मूव किया जा सकता था। आगे क्या, बट एन एलिफेंट्स चाइल्ड चेंज्ड ऑल दैट, अ वेरी क्यूरियस बेबी एलिफेंट। ठीक है, बोल रहा है एक एलिफेंट के बच्चे ने, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, जिज्ञासु था हर चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, वो क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया। ही वॉज सच अ क्यूरियस फेलो दैट ही ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। वो इस तरह का क्यूरियस बच्चा था, क्यूरियस पर्सन था, जो कि हर समय क्वेश्चन पूछता, जो भी चीज़ को देखता उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता था। ही वुड आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी थिंग दैट ही सॉ और हर्ड और फेल्ट और स्मेल्ट और टच्ड। वह हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता था जिसे वो देखता था, सुनता था, महसूस करता था, स्मेल करता था या फिर टच करता था। ही आस्क्ड द ऑस्ट्रिच व्हाई हर टेल्स फेदर ग्रीव जस्ट सो। बोल रहा है वो ऑस्ट्रिच से पूछता था कि जो उसका फेदर है वो इस तरह से क्यों बढ़ता है। ही आस्क द जिराफ व्हाट मेड हिज स्किन स्पॉटी। वह जिराफ से पूछता था कि उसका जो बॉडी है उसमें स्पॉट क्यों है, धब्बा धब्बा क्यों है। ही आस्क द हिप्पो व्हाई हिज आईज वर रेड। वह हिप्पो से पूछता था कि उसकी आंखें लाल क्यों हैं। एंड द बबून व्हाई मेलन्स टेस्टेड एज दे डिड। और बबून से पूछता था कि वो इस तरह से ही वाटरमेलन को क्यों टेस्ट करते हैं। हिज पेरेंट्स एंड ऑल हिज अंकल्स एंड आंट्स वुड स्पैंक हिम व्हेन ही वुडंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। उसके जो अंकल थे, साथी थे, पेरेंट्स थे, वो क्या करते थे, उसको स्पैंक करते थे, मतलब थपथपाते थे जब वो क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता था। ठीक है, तो स्टोरी का ये जो पहला पार्ट है, एक पहला पैराग्राफ ही यहीं तक है। आपको क्या करना है, इसको होमवर्क में पढ़ना है, ठीक से रीडिंग करना है, और जो भी मैंने अभी समझाया है उसको समझने का कोशिश करना है।